सो है गैंग, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एक ही दिन में वापस कैसे आ गया भाई, मतलब एक ही दिन में दूसरा भी वीडियो डाल दिया इसने। भाई मैं आजकल सोच रहा हूँ भाई कि एवरीडे आपको वीडियो देने की कोशिश करूँ। ये वीक तो यार मैं पक्का ये प्रॉमिस रखूँगा भाई, एवरीडे एक वीडियो तो आएगी। और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, शेड्स ऑफ संडे, मतलब उसमें होने वाले हैं नए नए शेडर्स हम जो एक्सप्लोर करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, जो कि होता है हाउ टू डाउनलोड शेडर्स का ही पार्ट होने वाले हैं, पर वो संडे को आएगा। आज यार गाइस ट्यूसडे, या ट्यूसडे ही है शायद ना, ट्यूसडे। तो गाइस ये थोड़ा लेट हो गया, पर नेक्स्ट वीक से भाई संडे को एक शेडर ज़रूर मिलेगा। तो गाइस बढ़ते हमारे नए शेडर की तरफ, लैगलेस शेडर। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते। तो गाइस सबसे पहले हमें दिख रहा होगा ये क्रोम ब्राउज़र, आपको भी खोलना है क्रोम या फिर आपका मर्जी का कोई भी ब्राउज़र। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को पेस्ट कर देना है। हायरा शेडर्स नाम है इसका, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा शेडर है भाई, लो लेवल का तगड़ा से तगड़ा शेडर है। तो ये देखो गाइस ओपन हो गई है साइट और स्कैन कर रहे हैं फाइल। 6 5 4 3 2 1। तो गाइस आ गया है डाउनलोड लिंक, 51.3 KB का ये सिर्फ, मतलब बहुत ही यार छोटे से छोटे रैम में भी चलेगा ये, 2 GB में भी चलेगा, 3 GB में भी चलेगा, पर 2 से कम मत ही रखना गाइज, शायद चल भी जाए आपके ऊपर। तो गाइज जैसे ही डाउनलोड होता है भाई, आपको जाना है फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर के बाद ओपन करना है उसको माइनक्राफ्ट से, MC पैक के में डायरेक्ट माइनक्राफ्ट से ही ओपन होगा। तो भाई कोई आपको जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करके इधर उधर पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज जैसे आप माइनक्राफ्ट ओपन करोगे, इंपोर्ट हो जाएगा। गाइज मेरा हो गया है इसलिए मेरा नहीं दिखा रहा है अभी, आपका वैसे आ जाएगा। तो गाइज जाना है अपने सेटिंग में, रिसोर्सेज पैक में जाओ, माय पैक्स में जाओ, आपको मिल जाएगा, मैंने एक्टिव किया इसलिए देखो आप। हायरा शेडर्स वर्जन 3.0 लो, आपकी मर्जी है भाई, आपका मोबाइल जैसा भी है, मीडियम भी कर सकते हो, और हाई तो भाई नेक्स्ट लेवल है ये शेडर भाई, अल्ट्रा रियलिस्टिक दिख रहा है। तो गाइज जैसे आप करोगे थोड़ा लोडिंग हो जाएगा, और जैसे लोडिंग कंप्लीट होगी 1 2 3, तो गाइज बूम, हमारा शेडर हमारा स्वागत कर रहा है। तो गाइज ये थोड़ा तुम चिंता मत करो, ये कुछ लैग बैग नहीं है गाइज, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मैंने देखा ही नहीं था कि भाई ये 25 FPS पे चल रहा है यार, 25 फ्रेम्स दे रहा है ये, 30 चल रहा होता तो आपको समझ में आता कि भाई कितना स्मूथ है, और ये तगड़ा है। एक तो लो लेवल शेडर है गाइज, सभी के मोबाइल में आसानी से चलेगा, और जिस जिसका भी थोड़ा कम रैम वाला मोबाइल है ना भाई, उसमें सेम ऐसा ही चलेगा, जो कि मेरा 25 FPS दे रहा है, मेरा 30 देता है, पर आपका शायद 25 दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 गाइज, उससे कम नहीं हो कभी। तो गाइज आप देख ही सकते हो यार, वाटर देखो गाइज कितना तगड़ा लग रहा है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट वाटर है, और गाइज इसमें थोड़ी हाई क्वालिटी तो नहीं है, मीडियम शेडर लोगे तो गाइज उसमें थोड़ी हाई क्वालिटी मिलेगी, अंदर ब्लॉक भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये देखो गाइज नाइट विजन देखो, ये यार क्या ही तगड़ा नाइट विजन लग रहा है गाइज, देखो मून देखो यार, ये सुअर देखो भाई भाग गया। तो गाइज आप देख ही सकते हो यार, ट्रांसपेरेंट वाटर के ऊपर मून, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा बोलते ना वो, चार चांद लगा देना वो, हाँ वो मुहावरा इधर सूट होता है। तो गाइज ये देखिए हमारा सनलाइट, मतलब क्या बोलते हैं सनराइज, गाइज देख ही सकते हो आप यार, बहुत ही ज़्यादा यार ये शेडर, मतलब भाई लो एंड डिवाइसेस के लिए भाई उनका मसीह आए, मतलब माइनक्राफ्ट जिसको भी खेलनी होती है ना भाई शेडर्स के साथ, मतलब उनको नहीं पसंद आता जो कि उनका जनरेटर टेक्सचर पैक है भाई, ये तगड़ा है भाई ये ले लो। तो गाइज तब तक के लिए तो यार ये वीडियो पूरी देखना। तो गाइज आप देख ही सकते हो ये है सेट टू मिडनाइट कर दिया मैंने, तो ये देखो आप ऊपर तारे देख सकते हो भाई, गैलेक्सी देख सकते हो आप। तो गाइज ये देखो मैंने वेदर भी थोड़ा बदल दिया, थंडरस्टॉर्म वाला कर दिया है, शायद इससे कुछ इफेक्ट मिले, तो इससे इफेक्ट मिला भाई यार, फॉगी हो गया ऐसे, अब मतलब इसमें यार ज़्यादा फॉग नहीं मिल रहा, ये इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भाई। तो कोई नहीं भाई एडजस्ट कर लो, अभी क्या ही है, लो एंड डिवाइसेस के लिए बना है वैसे भी शेड भी है, कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इसके साथ। तो गाइज
चलो कोई नहीं यार, अच्छा तो शेडर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।